गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जो प्रॉब्लम्स हुए थे, मतलब लास्ट वीक में, ऑन द बेसिस ऑफ पीएच एंड पीओएच, नाउ टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। जो मेन दो टाइप के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एक एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर, इट इज अ एसिडिक बफर इज एक्वायर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, एंड बेसिक बफर इज एक्वायर सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस एंड इट साल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेसिक बफर है तो आप डायरेक्ट आपको पहले निकालना पड़ेगा पीओएच, एक फॉर्मूला है, और एसिडिक बफर के लिए डायरेक्ट है पीएच इज इक्वल टू pH is equal to pKa plus log of concentration of acid upon concentration of salt. So, for acidic buffer, concentration of salt upon concentration of acid. Concentration of salt upon concentration of acid. Second, डायरेक्टली आप अगर एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो, बट इफ इट इज अ बेसिक बफर देन पीएच इज रिप्लेस बाय पीओएच, पीकेए के जगह पे पीकेबी एंड हियर साल्ट अपॉन एसिड के जगह पे बेस लिखना है। तो पहले पीओएच मिलेगा, अगर पीएच पूछा है इफ इट इज अ बेसिक बफर सॉल्यूशन, पीएच पूछा है तो जो पीओएच मिलेगा फाइनली आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो आप बेसिक बफर का पीएच भी निकाल सकते हैं। तो इसी बेसिस पे यहाँ पे तीन पार्ट्स मेन होते हैं, एक के ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो ये जो प्रॉब्लम लिखा है बोर्ड पे, कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.05 मोल्स पर डी एफ एन एफ सोडियम फ्लोराइड इट इज अ साल्ट, मतलब ये हो गया किसका कॉन्सेंट्रेशन, सोडियम फ्लोराइड का, और सेकंड एंड 0.015 मोल पर डी एम क्यूब एच एफ एंड एच एफ इज द वीक एसिड, मतलब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ये है, साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ये है, और के ए की वैल्यू गिवन है 7.2 × 10⁻⁴। तो यहाँ पे डायरेक्ट पी के ए दिया नहीं है, के दिया है, और जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव अगर वो दिया है तो आप पीएच कैसे निकाल सकते, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव, सिमिलरली पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के, इस टाइप से आप निकाल सकते। तो एक एक लिखेंगे, फर्स्ट The concentration of HF, acid का concentration कितना है 0.015 मोल पर लीटर। दूसरा concentration of NaF, मतलब साल्ट, और साल्ट का concentration कितना है 0.05 मोल पर लीटर, और Ka की value given है that is 7.2 × 10⁻⁴। अब आपको क्या चाहिए, pKa, तो सीधा फॉर्मूला है pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ k, तो ये पहले कैलकुलेट कर लो, माइनस लॉग ऑफ कितना है 7.2 × 10⁻⁴, इसका कर लो पहले, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन को अलग रहते हो, लॉग ऑफ 7.2 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁴ माइनस 7.2 का लॉग होता है 0. लॉग ऑफ 7.2 0.8573 और यहां पे माइनस 4 इंटू लॉग ऑफ 10 1 और माइनस 4। अब माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, मतलब 4 माइनस 0.8573 एंड दैट इक्वल टू 4 में से 4 कितना है 0.8573, तो 7.241 और 3. इसका आता है 3.1427, तो 3.1427। तो ये हो गए डायरेक्ट वैल्यू किसकी, पीके ए की,
अब इसमें वैल्यू पुट करो सेम फॉर्मूले में, दैट इज pH इज इक्वल टू pKa 3.1427 प्लस लॉग ऑफ साल्ट अपॉन एसिड, साल्ट का है 0.05 और इसका है 0.015, तो आप डायरेक्ट बोल सकते 3.1472 प्लस लॉग ऑफ, अगर ये 50 लोगे तो ये हो जाएगा 15, ये डेसिमल पॉइंट तीन डिजिट के बाद शिफ्ट करोगे तो उसको तीन डिजिट के बाद यहाँ पे 50/15 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 point something आएगा, और उसका 3 point something का जो लॉग निकालोगे 3.1472 प्लस, और या एक तो लॉग ऑफ 50 माइनस लॉग ऑफ 15 कर सकते हैं, या 50 को 15 से डिवाइड करो उसके बाद जो लॉग आएगा वो निकाल सकते, तो ये कैलकुलेशन के बाद इसका जो आंसर आता है लॉग ऑफ 15 दैट इज 3.33 आता डिवाइड किए तो उसका 0.5224 एक तो 50 को 15 से डिवाइड करोगे तो 3.33 आता है और 3.33 का लॉग ही आएगा, या डायरेक्ट ये भी कर सकते लॉग ऑफ 50 माइनस लॉग ऑफ 15 जो डिफरेंस आएगा ये, तो दोनों का एडिशन करोगे दैट इज 3.1472 प्लस 0.5224 6 9 6 6 3 तो आंसर 3.6696 दैट इज 3.6696 दैट इज द pH ऑफ सॉल्यूशन और pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो इस टाइप से बस के डायरेक्ट pKa गिवन है तो ये करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, तो इसी टाइप का फॉर pH ऑफ बफर सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ, नेक्स्ट कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल ऑफ, कंटेनिंग 0.1 मोल ऑफ वीक बेस, अब बेस है 0.1 मोल ऑफ वीक बेस BOH जनरल फॉर्म में दिया है BOH एंड 0.2 मोल ऑफ इट्स साल्ट BA एंड 0.2 मोल ऑफ इट्स साल्ट, इसका ही साल्ट है BA, ये साल्ट है जनरल फॉर्म में BA एंड KB इज इक्वल टू फॉर दिस वीक बेस वेल ऑफ KB 1.8 × 10⁻⁵ 1.8 × 10⁻⁵ सेम उसी टाइप का प्रॉब्लम है, बस चेंज करना है आपको बेसिक बफर है, और जब बेसिक बफर होता है तो डायरेक्ट pH आप नहीं निकाल सकते, सबसे पहले निकालना पड़ेगा pOH और यहाँ पे pKa के जगह पे pKb और साल्ट अपॉन एसिड के जगह पे साल्ट अपॉन बेस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH कितना दिया है 0.1 मोल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट BA इसका है 0.2 मोल और KB की वैल्यू है 1.8 × 10⁻⁵ तो फिर से उसी टाइप का कैलकुलेशन, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PKB सेम फॉर्मूला PKB इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB और फिर से माइनस लॉग ऑफ KB की वैल्यू है 1.8 × 10⁻⁵ तो माइनस लॉग ऑफ 1.8 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁵ तो इसका 1.8 का लॉग ऑफ 1.8 0.2553 और इसका आएगा माइनस 5 मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये प्लस हो गया 5 माइनस 0.2553 और ये 5 में से
0.2553 माइनस करोगे तो आंसर आता है 4.7447 हो गया। पीकेबी साल का कॉन्सेंट्रेशन ये और बेस का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, तो दैट इज पीओएच इज इक्वल टू 4.7447 प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट दैट इज 0.2/0.1, मतलब सीधा सीधा है 2/1 और 2 का लॉग जो होता है 4.7447 प्लस ये 0.2/0.1 मतलब 2/1 आंसर 2 आएगा और 2 का लॉग होता 0.3010, 2 का लॉग अगर देखोगे तो 0.3010 और दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 4.3010754 और यह क्या आएगा 5.0457। तो ये हो गई वैल्यू किसकी, पीएच की। लेकिन कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर, बट दिस सॉल्यूशन इज बेसिक बफर और बेसिक बफर के लिए आप डायरेक्ट पीएच की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो पीओएच मिल गया। अब लास्ट में आपको फार्मूला यूज करना है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ओके, देयरफॉर पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच दैट इज 14 माइनस 5.0457, 14 में से 5.047 माइनस कर दो, आंसर आएगा 13.95 अप्रोक्सीमेट आंसर कर सकते, तो ये हो गया पीएच। अगर पीएच बफर सॉल्यूशन इफ इट इज अ बेसिक, तो याद रखो पीएच की जो वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 7 आना चाहिए। देखो 13.95 आया, और अगर एसिडिक बफर है तो पीएच ऑफ एसिडिक बफर इज ऑलवेज लेस देन 7। इस टाइप से कोई भी बफर सॉल्यूशन है तो उसका निकाल सकते ही होगे। बफर सॉल्यूशन के जो पीएच का पीएच अगर निकालना है तो इस टाइप से प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बच्चा मतलब लास्ट टॉपिक था दैट इज सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एंड ऑन दैट बेसिक जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो सबसे इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन केएसपी एंड एस, एस और केएसपी का रिलेशन, और जो रिलेशन होता है अलग अलग साल के लिए दैट डिपेंड्स करते हैं नंबर ऑफ कटायंस एंड नंबर ऑफ अनायंस। तो जो फॉर्मूला बताया था केएसपी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला सीधा सीधा है, नंबर ऑफ कटायंस टू द पावर नंबर ऑफ कटायंस प्लस इनटू नंबर ऑफ अनायंस टू द पावर नंबर ऑफ अनायंस इनटू एस टू द पावर नंबर ऑफ कटायंस प्लस नंबर ऑफ अनायंस। जैसे NaCl के लिए केस की NaCl सोडियम क्लोराइड, तो जो फॉर्मूला है x टू द पावर x y टू द पावर y और s टू द पावर x प्लस y, एंड दिस x एंड y नथिंग बट नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस, कोई भी ले सकते x y कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर दिस NaCl x इज इक्वल टू 1, एक सोडियम है, y इज ऑल्सो इक्वल टू 1, एक Cl है, तो सीधा फॉर्मूला क्या आएगा 1 टू द पावर 1 1 टू द पावर 1 एस टू दी पावर 1 प्लस 1, मतलब हो गया रिलेशन एस स्क्वायर। तो इसमें सिंपल आता है एस की वैल्यू गिवन रहेगी, कभी केएसपी निकालना पड़ेगा, एस निकालना है तो अंडर रूट ऑफ केएसपी, अगर एस की वैल्यू गिवन है तो केएसपी, या केएसपी की वैल्यू गिवन है तो एस। इस स्टेप से सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका फार्मूला, मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन केएसपी एंड एस। तो प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और उसका जो, तो और एक दूसरा एक रिलेशन बताया था फॉर
precipitation of ions या precipitation of any salt compound in the solution, तो condition क्या होना चाहिए? तो ये condition लिखके बताया था, for precipitation Ksp मतलब ionic product is always greater than Ksp. आप क्या करोगे, जो भी आयन का concentration दिया है उनका product देखो, Ksp की value given रहेगी, compare करो डायरेक्टली, नहीं आप वो लिखना पड़ेगा रिलेशन, Ksp इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, जैसे Na पॉजिटिव है तो Na पॉजिटिव इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव, मतलब Ip इज इक्वल टू Ksp की वैल्यू क्यों रहेगी, आयनिक प्रोडक्ट भी सेम है, कॉन्सेंट्रेशन कितना जो भी दिया है दोनों का प्रोडक्ट चेक करो, दैट इज द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट, इफ इट इज ग्रेटर देन Ksp देन प्रेसिपिटेशन विल टेक्स प्लेस, तो आइदर प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस और नॉट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू Ksp एंड आयनिक प्रोडक्ट, तो कॉन्सेंट्रेशन दोनों का चेक करो, अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मतलब कंपेयर करने के बाद इफ Ip इज ग्रेटर देन Ksp देन प्रेसिपिटेशन विल टेक्स प्लेस एंड इफ द Ip इज Ksp इज लेस देन Ip देन सोल्यूशन इज अनसेचुरेटेड एंड नो प्रेसिपिटेशन विल टेक्स प्लेस, इस टाइप से आप कंपेरिजन, दो टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, एक जो बताया जैसे कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड ये साल दिए है, तो उसके लिए रिलेशन क्या आएगा, सीधा x इज इक्वल टू वन, एक कैल्शियम है और y की वैल्यू की दो सील है टू, फॉर्मूला फिर से वन टू दावर वन, टू टू दावर टू, एक्स टू दावर वन प्लस टू, मतलब टू का स्क्वायर फोर, वन का वन आएगा और इसका पावर फोर एस क्यूब, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Ksp एंड S फॉर कैल्शियम क्लोराइड फॉर डिफरेंट जो अलग अलग टाइप के AlCl3, इसके लिए x की वैल्यू 1, 1 एल्युमिनियम है और Cl3 है, तो y इज इक्वल टू 3, फिर से 1 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 3, 3 इनटू 3 इनटू 3 मतलब 27 इनटू s टू द पावर 3 प्लस 1 4 मतलब 27 s टू द पावर 4 Ksp इज इक्वल टू, इस टाइप से अलग अलग साल के लिए ये एक और दूसरा प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा, इसके लिए आपको Ksp और Ip की वैल्यू कंपेयर करना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं अगर प्रेसिपिटेशन विल टेक्स प्लेस और ना, तो ये जो टाइप्स की प्रॉब्लम है कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में।